गुड मॉर्निंग बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और सबसे पहले बात उस बड़ी खबर से करते हैं जहां जिसे लेकर लगातार सवाल जवाब इस वक्त चल रहे हैं, जिसने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचले पैदा कर दी है। कमलनाथ को लेकर ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज कमलनाथ और नकुलनाथ की मुलाकात हो सकती है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमित शाह और नड्डा से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। बीजेपी अधिवेशन इस वक्त चल रहा है और उसके बाद उनकी मुलाकात हो सकती है। महत्वपूर्ण खबर है कि बीजेपी की दो दिवसीय अधिवेशन आज दूसरा दिन, लेकिन जब अधिवेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अभी तक ये कहा जा रहा था क्योंकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन जैसे ही मुलाकात होगी, यानी कि मुलाकातों पर ही काफी कुछ निर्भर कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमलनाथ समर्थक विधायकों के भी दिल्ली पहुंचने की अटकलें हैं। एक दर्जन कांग्रेस विधायक आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। शाम तक कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 77 साल के कमलनाथ 22 साल की उम्र में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ा था, 40 साल से ज्यादा समय पार्टी को उन्होंने दिया, इस दौरान तमाम बड़े पदों पर रहे, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केंद्रीय पदों पर वो रहे, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण खबर कि ये 40 साल से ज्यादा का साथ अब छूटने जा रहा है, कांग्रेस का हाथ वो छोड़ने वाले हैं। सीधे दिल्ली आपको लिए चलते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की हर एक हलचल, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगी। मनोज जी, क्या हाल चले दिल्ली में इस वक्त? देखिए जया, चूंकि ये खबरें हैं कि आज देर शाम तक, जैसा आप बता रही थी, कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा से, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। संबोधन के उपरांत ही तमाम तरह की चीजें बनेंगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि अधिवेशन जो दो दिन का रखा गया था बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11,500 से ज्यादा लोग यहां पहुंचे हुए हैं, जाहिर है कि पहले बीजेपी उस पर काम करना चाहेगी। इस बीच में अलग अलग सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही है कि देर रात अलग तरह से बात भी हुई है कुछ कमलनाथ, नकुलनाथ और बाकी वरिष्ठ नेताओं के बीच में, मध्य प्रदेश के नेताओं से भी बात हुई है, और ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय आला कमान अभी नहीं चाह रहा, मतलब आजकल में नहीं चाहता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो, लिहाजा 19 तारीख की बहुत ज्यादा संभावना, जिसकी चर्चा लगातार बंसल न्यूज कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही अधिवेशन संपन्न होगा उसके बाद प्रधानमंत्री का जैसे ही भाषण होगा, संबोधन होगा, उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं, और फिर ऐसा कहा जा रहा है कि नकुलनाथ और कमलनाथ की मुलाकात मोदी से हो सकती है, और फिर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सी वो तारीख होगी, कब वो ज्वाइन करने जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। तारीख क्या होगी तो हमारे मुताबिक वो तारीख 19 हो सकती है। चर्चाएं ये भी थी कि आज देर शाम वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं, अटकलें हैं। अभी जैसी खबरें दिल्ली से मुझे मिल रही है तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात साफ हो चली है कि अब कमलनाथ कांग्रेस के नहीं होंगे, कमल के होने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इस बात पर मोहर लग गई है कि अब वो बीजेपी में ही शामिल होने वाले हैं। हालांकि तारीख कब होगी, 19 फरवरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण तारीख है, इसे नोट करना जरूरी है। और एक से दो दिन में, यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, बड़ा उलटफेर आपको मध्य प्रदेश और दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए, लेकिन नजरें आप बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।